बेबी का है? बेबी आयरा बेबी का है? उधर ही रख, उधर ही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे सुबह का टाइम था और मैं बाजी से रूम क्लीन करवा रही थी। यहाँ पे मैं बाजी के साथ मिलके बेडशीट चेंज करवा रही थी। बच्चों की कॉट की बेडशीट भी चेंज करने वाली थी और कंफर्टर भी वॉश करने वाला था, जो मैं काफ़ी टाइम से किया नहीं था, तो मैंने कहा आज मैं यही काम करती हूँ। बेडशीट चेंज कर ली थी और बाजी अब झाड़ू लगा रही थी। यहाँ पे मामा मक्खन बना रही थी क्योंकि आज हमने साग बनाया और साग के साथ मक्खन तो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे साग को तड़का लग रहा है। उसके बाद खाने का टाइम हो रहा था तो यहाँ पे रोटियाँ बन रही थी और एक साइड पे देसी घी बनने के लिए रखा हुआ था। मूसा जेलस हो रहा था, पापा ने आयरा को उठा लिया, तो मूसा जो है रो रहा था कि पापा बस मुझे उठा लें। मूसा घर का पहला बच्चा और उसको सबने इतना प्यार दिया है कि बस ये कहता है कि मैं ही रहूं और ये जो कहता है ये अपनी मनवा के ही रहता है और इसकी मानी भी जाती है। अब ये फिर पापा के साथ बाहर जा रहा है अपनी जिद मनवा के। तो सबका इतना लाडला है कि इसके आगे सबको हार माननी पड़ती है। इतनी दोपहर को बाहर गया है कि बस मुझे जाना ही जाना है, तो पापा फिर इसको ले ही गए कि चलो मैं इसको बाइक से चक्कर दिलवा के आता हूँ। और अब ऊपर आ रहा था ये, जब ये नीचे होता है तो ऊपर आने का नाम ही नहीं लेता और मैं इसे बहुत मुश्किल से ऊपर लेके जाती हूँ। अगर खुद आए तो फिर कोई 10 दफ़ा रास्ते में रुकता है और मैं इसे कहती हूँ आ जाओ आ जाओ, फिर कहीं जाके रूम तक आता है। ये मेरे रूम की फाइनल लुक। और जब मेरा रूम क्लीन होता है और बेडशीट वगैरह सब कुछ नीट एंड क्लीन होती है तो मुझे उसको देख के बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मुझे मैसी रूम बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो इसलिए मैं सफाई का बहुत ख्याल रखती हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को फ्रेश कर दिया था और आयरा सो गई थी और मूसा अपने बाल ही ब्रश नहीं करवा रहा था। बहुत मुश्किल से इसको पकड़ा मैंने, उसके बाद इसके बाल ब्रश किए और अब ये हेयर ब्रश ही पकड़ के बैठ गया था कि मैंने नहीं देना। मूसा किधर छुप गए हो? मूसा किधर छुप गए हो? मूसा किधर गया? ये रहा मूचा, ये रहा मूचा, ये रहा मूचा, ये रहा मूचा। मूसा को छुपने का बहुत शौक है, ये छुप जाता है और जब हम इसे ढूंढते हैं तो फिर बहुत खुश होता है। तो मैं इसके साथ थोड़ी सी शरारतें कर रही थी। जा, ई जा,
मूसा तो इधर है। चलो सो जाओ, अब नीनी करो, मूसा नीनी खा लो, बहना के फेस पे नहीं दो। किधर छुप गए हो, किधर छुप गए हो? दोनों बच्चों को सुलाने के बाद मैं टेरेस पे आई थी और मगरिब की अज़ान हो रही थी और ये जो सनसेट व्यू है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। मेरा खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था आज, तो स्पेक्टिस बनी थी शाम को, तो मैंने वही खा रही थी। उसके बाद मैंने मूसा को डिनर करवाया और वो बैठा यहाँ पे आराम से खा रहा था। उसके बाद किचन में थोड़े से बर्तन पड़े थे रात के, मैंने वो वॉश किए। और आज का व्लॉग बस इतना ही है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।